हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस जाइवा। चलिए हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हम लोग देखे थे जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट था उसमें ग्रुप 16 एलिमेंट में ये देखे, उसके बाद अकरेंस की बात कर चुके थे। आज हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स का ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला टॉपिक होगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में क्या होगा, एक चीज मैं पहले जनरल ट्रेंड्स की बात करूं, मैं पहले आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद रेडियस क्या हो रहा था, घट रहा था, रेडियस डिक्रीज कर जा रहा था। क्यों डिक्रीज कर जा रहा था, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता था लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में, और टॉप टू बॉटम आने पे रेडियस क्या हो जा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। रेडियस इंक्रीज इसलिए किया था क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हुआ था, ये भी इंक्रीज किया था। ध्यान से सुनेंगे इसी बात को, मैं वहां पे भी फॉलो करेंगे। क्या बोल रहा हूं कि रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने के बाद घटेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आने के बाद रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 16, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, इन दोनों में कंपैरिजन करें कि किनका रेडियस छोटा होगा, किनका रेडियस बड़ा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने के बाद, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है, रेडियस घट रहा है। इसका मतलब कम रेडियस किसका होगा, 16 का, इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15। तो बोलेंगे कि ग्रुप 16 का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कम होगा, स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15। क्यों होगा कम, तो ग्रुप 16 में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यही चीज लिखा जाएगा कि द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 से कम रेडियस है किसका, ग्रुप 16 का, ड्यू टू इंक्रीज्ड इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, इस वजह से ग्रुप 16 का जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू किससे, ग्रुप 15। ठीक है, ये तो हुआ हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तब, मतलब सीधा सीधा हम लोग बोलेंगे कि ग्रुप 16 का रेडियस कम होगा, रेडियस स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट के तुलना में। ड्यू टू क्यों होगा भाई, तो लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज्ड इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोले तो ZeF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इस वजह से ग्रुप 16 एलिमेंट का रेडियस स्मॉल होगा, ये लेफ्ट टू राइट जाने के बाद, पीरियड में जाने के बाद। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आए, जनरल ट्रेंड्स जैसा है वैसा ही होगा कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आने के बाद रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, रेडियस इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो हम लोग दो तरीके से यहाँ पे मूवमेंट लिए, एक ग्रुप 15 ग्रुप 16 में देखें कि किनका रेडियस कम था, किनका रेडियस ज्यादा हुआ, किनका रेडियस कम हुआ, ग्रुप 16 का, किससे, ग्रुप 15 के तुलना में। क्यों हुआ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और टॉप टू बॉटम आए तो भी नंबर रेडियस इंक्रीज कर गया, और नंबर ऑफ सेल क्या, रेडियस इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो गया था, इंक्रीज कर गया। चलिए ये तो हुआ एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात। अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें डील करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आयनाइजेशन एनर्जी से, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसको इंपॉर्टेंट टिक करेंगे।
एनाइजर एनर्जी का डिफिनेशन क्या था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खपत होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम टू फॉर्म गैसेस केटायन। आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा बात पे डिपेंड करेगा, पहला तो रेडियस पे, पहला किस पे, रेडियस पे, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल, सबसेल की स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं सर, तो स्टेबिलिटी को चेक करने का तरीका क्या है कि ये सबसेल चाहे तो हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, फुल फिल्ड सबसेल। अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड सबसेल है तो उस केस में सबसेल कैसा होंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। और अगर इन दोनों केस में हम लोगों को अगर ऐसा देखने को मिलता है कि रेडियस अगर कम है, रेडियस अगर स्मॉल रेडियस है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल है तो उस केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, फिर सीखिए, उसके बाद इस टॉपिक में हम लोग चलेंगे। क्या बोला जा रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खपत होगा उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा। और आयनाइजेशन एनर्जी दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक रेडियस पे, जितना रेडियस कम होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब रिलेशन जो है वो उल्टा आएगा, इस प्रकार से रेसिप्रोकल आएगा, रेडियस अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, रेडियस अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। और दूसरा बात जिस पर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल पे, तो सबसेल का स्टेबिलिटी चेक करते हैं किससे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड से। अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड सबसेल्स हम लोग को मिलेंगे तो उस केस में वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, और जब हाफ फील्ड सबसेल एक्स्ट्रा स्टेबल सबसेल अगर आ जाएगा तो उस केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं बातों को यहाँ पे हम लोग लागू करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी अगर फर्स्ट, हाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी लगेगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जितना लगेगा उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी टू, तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी थ्री, चौथा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी फोर। बात समझ में आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वन, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी टू। तो हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रुप 15 के एलिमेंट का पहला आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 16 ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसे इस तरह से लिखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। मतलब ग्रुप 15 का पहला आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ग्रुप 16 के तुलना में। क्यों भाई, तो बोलेंगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट का एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है, कैसे देखना। हाँ, चलिए, ग्रुप 15 एलिमेंट का हम लोग जेंडर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बात किए थे, ऐसे हम लोग थोड़ा सा लिख लें, यहाँ ग्रुप 15 होगा, यहाँ पे ग्रुप 16, ठीक है। चलिए कंपैरिजन करके देखेंगे, जेंडर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप 15 का क्या आया था, NH2 और NP3, 16 का बोलिए तो क्या आया था, NH2 NP4, यही ना था सर। अब स्टेबिलिटी की चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए SP DF, ये सबसे हमारे पास था, S में इलेक्ट्रॉन कितना रहता था, 2, P में बोलिए 6, D में 10, F में 40, ये तो फुल फील्ड हुआ। हाफ फील्ड करेंगे तब, हाफ फील्ड करेंगे तो इसका आधा करना होगा 1, 3, 5, 7। अगर ये दोनों में से कोई भी केस मिलता है तो बोलेंगे, अगर ये मिलता है तो हाफ फील्ड, और ये मिलता है तो सॉरी, ये मिलता है तो हाफ फील्ड, ये मिलता है तो फुल फील्ड, और दोनों के केस में स्टेबल होगा।
ठीक है। चलिए अब यहां पे हम लोग चेक करें S2 मतलब ये S2 कैसा है, फुलफिल्ड है, चलिए दोनों में ठीक है। अब यहां से चेक करो P3 यहां पे क्या आ रहा है, P4 P3 P में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 3, बताइए कैसा है हाफ फिल्ड। P3 कैसा है बताइए हाफ फिल्ड। अब अगला चेक करो सर P4 कैसा है हाफ फिल्ड की फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड होता कितना में 3 में, लेकिन हमारे पास यहां पे कितना है 4, फुलफिल्ड होता कितना में 6 में, लेकिन हमारे पास वहां पे कितना है 4, तो बताइए ना हाफ फिल्ड हुआ ना फुलफिल्ड हुआ, ना हाफ फिल्ड ना फुलफिल्ड, ये कैसा है बता तो हाफ फिल्ड। और अभी मैं क्या बोला कि जब सबसेल हाफ फिल्ड होगा या फुलफिल्ड होगा तो उस केस में सबसेल एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, और एक्स्ट्रा स्टेबल के केस में आने से एनर्जी ज्यादा होगा, तो बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, P3 वाला होगा क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सर कि ये मोर स्टेबल होगा, और ये कैसा है बताइए तो लेस स्टेबल, और अगर मोर स्टेबल है तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर आयनाइजेशन एनर्जी, और इसका क्या हो जाएगा बता तो लेस आयनाइजेशन एनर्जी। आंसर दे सकते हैं क्या हो, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर यही चीज लिखना है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, और ये चीज आप करके दिखा दीजिए, आंसर ये पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। अभी तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगा था उसको बोले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा आया, 15 का ज्यादा आया, इसके तुलना में 16 के तुलना में 15 में क्यों आया, क्योंकि P3 मिला था हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन व्हिच इज मोर स्टेबल, और 16 में कैसा मिल रहा था लेस स्टेबल मिल रहा था, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन या आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छे से सीखेंगे यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, चलिए ग्रुप 15 और फिर से यहां पे ग्रुप 16 की बात करें, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा सर तो बता दो यहां पे क्या कॉन्फिगरेशन आएगा, बोलिए NS2 NP2 है ना आएगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करिए NS2 NP3 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया, ठीक है। तो अब बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया तो उसको जो एनर्जी लगा था उसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोले, अब हम लोग को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2, अब आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करेंगे, ठीक। चलिए तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद हमारे पास कॉन्फिगरेशन ऐसा आ चुका था, अब थोड़ा सा ये चेक कर लो सर ये कैसा कॉन्फिगरेशन है, ये कैसा कॉन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड है कि फुल फिल्ड है, बताइए P में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2, हाफ फिल्ड की फुल फिल्ड कुछ नहीं है, हाफ फिल्ड होता 3 में फुल फिल्ड होता 6 में कुछ नहीं है, ये बताइए P3 ये कैसा आ रहा है हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड यहां मिला इस बार, हाफ फिल्ड यहां मिला इस बार, हाफ फिल्ड आया मतलब क्या हुआ बताइए तो मोर स्टेबल नहीं हुआ, और यहां पे बोलिए तो ये कैसा हो जाएगा लेस स्टेबल होगा, अब मोर स्टेबल आया तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, इसी का ज्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज हाई, नहीं आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज हाई, और इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज लो, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ग्रुप 15 इज स्मॉलर देन द आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ग्रुप किसका 16 का, है ना। चलिए अब यहां से दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, पूछा जाएगा कि ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 का ज्यादा होता है ग्रुप 16 से क्यों, तो ये चीज आप डिटेल्स कर दीजिए उसके बाद आप लिखो या ना लिखो इतना काम करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15, तो ये भी आप बता देंगे कि ग्रुप 15 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी केस में ग्रुप 15 हाफ फिल्ड था मोर स्टेबल था इसलिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आया, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में ग्रुप 16 हाफ फिल्ड हो जा रहा है इस केस में ये मोर स्टेबल हो जा रहा है, और मोर स्टेबल होने की वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जा रहा, तो दोनों
का आंसर क्लियर है सर, दोनों क्वेश्चन पूछा सकता है, बस आप एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट डायमेंशनल एनर्जी को लेकर के कि सेकंड डायमेंशनल एनर्जी को लेकर के, ठीक है। अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो ये यहां तक आंसर देंगे और सेकंड अगर पूछा जाएगा तो यहां तक आंसर देंगे, इसके बाद आप कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट किसका बड़ा हो गया टीम का और सेकेंड किसका बड़ा हो गया 16 का, आंसर क्लियर है। चलिए अब हम लोग तीसरा बात करेंगे यहां पे, तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, किसका बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फ्लोरीन को छोड़ करके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन ग्रुप 17 का। फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी बात जितने भी एलिमेंट हैं इसके पास ग्रुप 16 वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम लोग बोलेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जैसे ही टॉप टू बॉटम आएंगे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा घटेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होता है, तो हम लोग बोलेंगे द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होगा, जबकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन का साइज जो है वो बहुत छोटा है। फिर से क्या बोल रहे हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाउएवर जबकि ऑक्सीजन हैज लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर डेंसिटी, और इसके पास डेंसिटी ज्यादा है इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑक्सीजन के केस में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो क्यों होता है, तो लो क्यों होता है क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा हो गया, अगर उसमें हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराने लगेगा और रिपल्शन ज्यादा हो जाने के बाद एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट का कुछ फीचर्स हुआ। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा ऑक्सीजन, क्या बात करेंगे, हाँ कौन कौन था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, उसके बाद फिर पोलोनियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद फिर कौन होगा पोलोनियम। उसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे इसका छठा प्रॉपर्टी हाइब्रिड फॉर्मेशन या हाइड्राइड भी देखेंगे, हाइड्राइड फॉर्मेशन। ग्रुप 16 एलिमेंट जितने भी है सबका सब हाइड्राइड जो है वो इस टाइप का बनाएगा, H2E टाइप का बनाएगा। फिर से सीखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स हाइब्रिड या फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ द टाइप H2E, वेयर ये H तो समझ आ रहा है हाइड्रोजन होगा, E जो है वो कौन सा एलिमेंट होगा, ग्रुप 16 एलिमेंट होगा। ग्रुप 16 एलिमेंट जैसे यहां पे हो सकता है ऑक्सीजन रह सकता है H2S, सल्फर रहेगा तो H2S, सेलेनियम रहेगा तो H2SE,
फिर मिलेगा H2TE, फिर मिलेगा H2PO, सबका सब हाइड्राइड देखिए इस प्रकार का बनेगा। और जो हाइड्राइड H2E टाइप का मिल रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। जितने भी हाइब्राइड है सब में हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगा। और इस प्रकार से जब sp3 अरेंजमेंट आएगा विथ टू लॉन पेयर, दो लॉन पेयर के साथ जब sp3 अरेंजमेंट आएगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा eb द ग्रुप 16 एलिमेंट, दो लॉन पेयर आपको रखना है, एक लॉन पेयर इधर रखिए, एक लॉन पेयर इधर रखिए और यहां से दो हाइड्रोजन को ऐड कर लीजिएगा। इसी तरीके इसी को हम लोग ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, दो लॉन पेयर दे दिए और दो बॉन्ड आया है तो बॉन्ड भी यहाँ पे दिखा देते हैं, सेम चीज है। अब स्ट्रक्चर की बात किया जाए, हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया sp3, स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, sp3 के केस में टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल कैसा दिखेगा, बीच में सेंट्रल एटम होना चाहिए और नीचे तीन बॉन्ड होना चाहिए, ऊपर में एक बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे रहेगा तो टेट्राहेड्रल। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर तो आपको देखने को नहीं मिल रहा, दो कॉर्नर में क्या हो गया, दो कॉर्नर में क्या गड़बड़ा गया, डिस्टॉर्ट कर गया, तो स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्ट कर गया, बिगड़ गया। इसी के आगे भी लिख सकते हैं कितना कॉर्नर में बिगड़ा, दो कॉर्नर में, तो लिख सकते हैं एट टू कॉर्नर, दो कॉर्नर पे बिगड़ा है इसका स्ट्रक्चर। और फिर अगर शेप की बात किया जाए तो शेप आपको देखो कैसा मिलेगा, वी शेप, उल्टा भी वी शेप बोलिए, या फिर इसी को बेंट बोलेंगे, या इसी को फिर क्या बोलेंगे, एंगुलर, बेंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, एंगुलर। तो हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग सीखे कि जितने भी ग्रुप 16 एलिमेंट हैं सबका हाइब्रिड जो बनेगा, हाइड्राइड जो बनेगा वो H2E टाइप का बनेगा, और इसमें जो हाइब्रिड आएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो कैसा देखने को मिलेगा, sp3। और sp3 के केस में ऐसा अरेंजमेंट आना चाहिए, दो लॉन पेयर के साथ दो कॉर्नर गड़बड़ा गया, इसलिए स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एट टू कॉर्नर होगा। और शेप की बात किया जाए तो तीन शेप का नाम दिया जाता है, भी शेप बोलेंगे या बेंट बोलेंगे या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एंगुलर बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग छह प्रॉपर्टी पढ़े, उसके बाद एक सातवां प्रॉपर्टी इसमें हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल का। जो बॉन्ड एंगल जो यहाँ मेरे पास आया है स्ट्रक्चर रीसेट, उसका बॉन्ड एंगल में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, 7 नंबर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जनरली बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। फिर से सीखिए क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। अब बताइए इन सभी हाइड्राइड्स में सबके पास तो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम हो जाएगा, डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा H2O में, उससे कम मिलेगा H2S में, उससे कम मिलेगा H2SE में, उससे कम H2TE में, और उससे भी कम मिलेगा H2PO में मिलेगा। बॉन्ड एंगल जनरली डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल ऐसे क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसमें मिलेगा, H2O में, दो लॉन्ग पेयर के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी देखे ग्रुप 16 एलिमेंट का, जिसमें सात प्रॉपर्टीज देखने को मिला, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, हाइब्रिड फॉर्मेशन, और फिर हम लोग क्या देखे, बॉन्ड एंगल। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।